जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक करिए, चैनल शेयर करिए। और यदि आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमें फॉलो करिए। तो आज हम बताएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ इन द मैन, मनुष्य में लिंग निर्धारता बताएंगे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि लंबा वीडियो ना जाए। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, ये हो गया हमारा टॉपिक। यहाँ हिंदी लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में, पुरुष में या महिला में, दोनों में गुणसूत्र की वजह से ही बच्चे पैदा होते हैं। तो पर पुरुष में तेईस जोड़ा 23 जोड़ी 23 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और महिला में 22 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं और महिला में 22 जोड़ा। तो 22 जोड़ा ये दोनों सेम ही रहता है। ये पुरुष में जो एक जोड़ा ये बेसी है, यही भिन्न होता है। और इसी की वजह से महिला को लड़का होता है और इसी की गड़बड़ी समस्या से लड़की होती है। तो चलिए इसे विस्तार से समझाते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे क्या होता है। गुणसूत्र को, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। गुणसूत्र को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो 22 जोड़ा है तो महिलाओं में, यानी कि महिला ये हो गया पुरुष, ये हो गई महिला। हो गई तो एक्स से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो गया एक्स एक्स, और पुरुष में हो गया एक्स, ये 23वां है जो ये अलग है, इससे अधिक है तो उसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, ये पुरुष का एक्स वाई हो गया। जब दोनों में संकरण होता है तो यदि जब ये एक्स और महिला का किसी भी एक्स से खाएगा, इसका एक्स पुरुष का एक्स गुणसूत्र और महिला का, दोनों एक्स एक्स है, चाहे इससे खा जाए इससे भी लग जाए तो भी जो है कि दो एक्स हो गया, डबल डबल एक्स हो गया, तो ये लड़की हो गई, ये हो गई लड़की। और मार्कर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, ये लड़की हो गई। और इसके बाद
यदि एक दिए इस यहां से दिखाते हैं, फिर से बना देते हैं, देखिए एक्स वाई और एक्स एक्स, तो दोनों का संकलन करा के देखते हैं, ये हो गया इससे संकलन खा गया, तो हो गया यहाँ पर आ जाएगा एक्स एक्स, ये हो गई लड़की, लड़की हो गई। और फिर इसके साथ सेकंड वाले खिला देते हैं, ये हो गई एक्स एक्स, तो ये भी हो गई लड़की। अब इससे खिला दिखाएंगे, इससे हो गया, ये हो गया लड़का हो गया, और सेकंड वाले से खिला देंगे, इससे भी हो गया यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, ये वाई और ये एक्स मिल गया तो एक्स वाई हो जाएगा, और ये वाई ये एक्स हो गया तो एक्स वाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लड़का। तो इसी प्रकार से होता है, मनुष्य का जब वाई वाला गुणसूत्र, जब मनु पुरुष का वो वाई का वाई वाला गुणसूत्र 23वां वाला जब जोड़ा खा जाता है, 23वां वाला जब जोड़ा खा जाता है वाई गुणसूत्र, और महिला का कोई भी हो, महिला में 22 होते हैं, 22 दुना 44 होता है और 23 दुना 46 होता है, तो ये 23 और 44, 47, ये देखिए ये 46 46 हो जाता है, यानी कि जोड़ा होता है, पेयर होता है 23 दुना 46 और 22 दुना 44, ऐसे होता है। तो ये जब ये वाई वाला जब गुणसूत्र महिला के एक्स एक्स वाले गुणसूत्र से जब संकरण करता है तो लड़का होता है, यदि जब पुरुष का एक्स वाला होता है ये 23वां वाला, 23वां वाला यदि नहीं किया है, ये 22वां तक किया है, ये एक्स वाला किया, तो एक्स एक्स से लड़की पैदा हो गई, तो यदि एक्स एक्स यदि पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिल जाता है तो लड़की हो जाती है, और पुरुष का वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र किसी दोनों में से किसी से भी जो है कि अगर संयुग्म कर लेता है तो लड़का पैदा होता है। तो चलिए, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और यदि आप फेसबुक से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, व्योमिका होम्योपैथिक सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, और आप सब्सक्राइब वहाँ से कर सकते हैं। जय हिंद।